एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो होने वाला है अमेज़न से होम डेकोरेशन के लिए हॉल। एंड ये है दिवाली स्पेशल। मैंने सारा सामान जो चूज किया है, जो भी सेलेक्ट किया है, वो है दिवाली से रिलेटेड, जो कि बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। एंड बहुत ही यूजफुल चीज़ें हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। आई होप आपको पसंद आएगा। एंड गाइज, जो आपको लिंक है, आप परचेज कैसे करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा माई हॉल स्टोर के नाम से। जस्ट आपको उस पर क्लिक करना है एंड वहां पे आपको सारी इमेज मिल जाएगी, तो वहां से आप बाय कर सकते हैं। इससे आपको क्या रहेगा कि एक ही स्टोर में जो भी चीजें मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो एक ही स्टोर में मिल जाएगी, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए शॉपिंग करना। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। एंड ये जो मैंने कुर्ता वियर किया हुआ है, ऑलरेडी इसकी वीडियो मेरे चैनल पे है, ये मैंने परचेज किया है बुलबुल से। एंड गाइस, इसका बहुत ही अच्छा अमेजिंग कलेक्शन मैंने शेयर किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है फेस्टिव कलेक्शन के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आई बटन में डाल दूंगी, आप जल्दी से जाके चेकआउट कर सकते हो। काफी यूनिक कलेक्शन है, तो चलिए विदाउट एनी लेट वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट आइटम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सबसे पहले शुरुआत करते हैं लक्ष्मी जी गणेश जी से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं दिवाली के लिए। एंड सच में इनसे शुरुआत करते हैं तो काफी अच्छा रहेगा। इस तरीके की ये वाला मैंने शोपीस परचेज किया है, एंड आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है। ये जो पूरा शोपीस है ये मेटल का है, एंड बहुत ही सुंदर से, बहुत ही देखो क्वालिटी कितनी अच्छी है। ये लक्ष्मी जी गणेश जी एक स्थापित है एक चौकी पे, और यहाँ पे इन्होंने इसमें दिया भी दिया हुआ है, तो आपको अलग से दिया लगाने की जरूरत नहीं है। अभी बहुत सारी पूजा होने वाली है, काफी ब्यूटीफुल है एंड बहुत ही रॉयल लुक दे रहा है। और दिवाली आ रही है तो बेस्ट गिफ्ट क्या रहेगा किसी के लिए भी, अगर आप इससे अच्छा अगर आप किसी को गिफ्ट नहीं रहेगा दिवाली के लिए, अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं, रिटर्न गिफ्ट देना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा गिफ्ट है फॉर दिवाली। एंड बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही रॉयल लुक है, काफी अमेजिंग लग रहा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, डिजाइन पैटर्न सब बहुत ही ज्यादा रॉयल और यूनिक है। डेफिनेटली आप इसे बाय कर सकते हैं। फर्स्ट चीज जो मैंने परचेज की है वो सबसे पहले मैंने लक्ष्मी जी और गणेश जी परचेज की है। ये सब जो नेक्स्ट आइटम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, और अब आने वाला है ये बहुत ही काम में, क्योंकि आने वाली है करवा चौथ, दिवाली, और दोनों के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा काम में आएगी ये, क्योंकि पूरे जो फंक्शन होता है, फेस्टिवल सीजन होता है, सब में ये काम में आती है। तो मैंने ये पूरा सेट परचेज किया है फॉर करवा चौथ। तो अगर आप दिवाली में इसे काम में लेते हैं तो ये चलनी हटा के भी इसे काम में ले सकते हैं, उस अकॉर्डिंग काफी अच्छा है। सबसे पहले मैं आपको इसकी थाली दिखा देती हूँ। इस तरह की बहुत ही खूबसूरत सी थाली है, यहाँ पे स्टोन लगाए हुए हैं, पूरा ये हैंडक्राफ्ट किया हुआ है। एंड सबसे अच्छी बात है इसमें जो दिया है, ये अगरबत्ती स्टैंड है, ये सब आपको इसमें अटैच मिल जाएगा। ये रोली के लिए, चंदन के लिए, चावल के लिए, सब कुछ इन्होंने इसमें कटोरी इसमें अटैच की हुई है, बाउल्स। एंड आप इसका हैंडक्राफ्ट देखिए कितना खूबसूरत सा किया हुआ है, कितने खूबसूरत इसमें जो है स्टोन लगवाए हुए हैं, काफी ब्यूटीफुल लगती है फॉर पूजा। अभी जैसे दिवाली की पूजा में बहुत अच्छी रहेगी। इसके साथ जो इन्होंने लोटा दिया हुआ है, आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है इसे। स्टील का लोटा है, अंदर से स्टील है एंड बाहर से ये स्टोन्स लगवाए हुए हैं, गोटा लगवाया हुआ है, बहुत ही छोटा सा क्यूट सा है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी, अगर आप पूजा करते हो किसी भी पूजा में, अभी करवा चौथ में, उस अकॉर्डिंग काफी अच्छा रहेगा। और इसके साथ मिली है एक चलनी, जो कि बहुत ही सुंदर इन्होंने डेकोरेशन किया हुआ है इसका भी, बहुत ही अच्छे से, क्वालिटी बहुत ज्यादा अमेजिंग है, साइज भी अच्छा खासा इन्होंने दिया हुआ है। तो मुझे ये पूरा जो सेट है बहुत ज्यादा पसंद आया, बहुत काम की चीज है, डेफिनेटली बाय कर सकते हो। एंड पूरे साल आपके हमेशा कभी भी काम आती है, तो ये तो कुछ ऐसी चीज है जो हमेशा आपके काम आएंगे। नेक्स्ट आइटम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये भी बहुत काम में आने वाला चीज है, काम में आने वाली है सॉरी, ये है कैंडल होल्डर। बहुत सारे कलर ऑप्शन, डिजाइन, पैटर्न खूब सारे अवेलेबल है अमेजोन पे, आप अपने अकॉर्डिंग देख के परचेज कर सकते हैं। मुझे ये वाला कलरफुल डिजाइन जो है, पैटर्न है, बहुत अच्छा लगा। कुछ इस तरीके के ग्लास के डेकोरेटिव ये कैंडल होल्डर मिलेंगे, ग्लास के हैं पूरे, आप डिजाइन देख सकते हो, पूरे कलरफुल है, तो आप इन्हें इंडोर पे, आउटडोर या फिर टेबल वगैरह कहीं पे भी आप डेकोरेशन कर सकते हो, इससे बहुत अच्छा लगेगा दिवाली पे, कुछ अलग सा लुक निकल के आएगा और बहुत सुंदर लगता है। ऐसे खाली जो आप कैंडल रखते हो तो आप उन्हें इसमें रख सकते हो होल्डर में, और बहुत सुंदर लगेगा, बहुत ही शाइन करेंगे ना जब कलरफुल बहुत अच्छे से शाइन करते हैं,
बहुत अमेजिंग लुक आता है, तो ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये दो का पीस मैंने परचेज किया है, बहुत ही कलरफुल है। आप डिज़ाइन देखो, इसका पैटर्न देखो, काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, क्वालिटी बहुत अच्छी लगी और ग्लास के है, तो डेफिनेटली आप इन्हें ट्राई कर सकते हो इस दिवाली पे, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और अगर आप इस टाइप के ट्राई नहीं करना चाहते, काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल है अमेजोन पे, उनमें से ट्राई कर सकते हो। मुझे जो नेक्स्ट आइटम मैं परचेज किया है ये है कैंडल्स 50 का सेट। ये परचेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत काम में आने वाली है। अगर आप होल्डर परचेज करते हो तो डेफिनेटली आपको ये परचेज करनी होगी। तो ये 50 का सेट है, पूरा इस तरीके से पैकेट में आया है। मैं आपको इसे एक ओपन करके बताती हूँ। ये जो कैंडल्स है ना, ये नीचे से स्टील के इसमें आती हैं और ऊपर से कैंडल्स होती हैं। 50 का सेट है, ये ऊपर 25 आई है, नीचे इसमें 25 है, पूरा 50 का ऐसे सेट मिल जाता है। आप अपने अकॉर्डिंग 100 का, 150 का, 200 का, सभी का सेट अमेजोन पे अवेलेबल है। और ये कुछ ऐसी चीज़ है जो हमेशा काम में आती है, तो ये वाली आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट आइटम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है, बहुत ही मतलब आर्टिफिशियल प्लांट है, एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये वाला प्लांट। क्योंकि एक बार मैं आपको ओपन करके बता दूँ, आप इसे कहीं भी रख सकते हैं। मतलब अगर इंडोर में आप ना प्लांट रखना चाहते हैं, तो आप जो रियल प्लांट रखते हैं ना, तो उनकी केयर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एंड उनकी केयर नहीं हो पाती है, वो इतने अच्छे से नहीं खिलते हैं, कलर नहीं आता है। तो आप इस तरीके के प्लांट ट्राई कर सकते हैं अंदर रखने के लिए, इंडोर में टेबल वगैरह पे हुआ, या फिर कहीं पे भी आप इसे रख सकते हैं कॉर्नर में, तो उस अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये पूरा जो प्लांट है ना, नीचे का साइड पूरा ये वुडन का दिया हुआ है इन्होंने, और क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। आप इसकी मतलब क्वालिटी देखो, काफ़ी अच्छी इन्होंने दी हुई है, विद अफोर्डेबल प्राइस में, बहुत ही अच्छा साइज इन्होंने दिया हुआ है। मैं डेफिनेटली, मुझे पसंद आया पिक में देखने, पिक से ज़्यादा ये रियल में देखने पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा। जब मैंने परचेज किया है वो है ये रंगोली। मतलब रंगोली यार बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और अभी क्या है मार्केट में मैंने फर्स्ट टाइम भी ट्राई किया है अमेजोन से, तो काफ़ी अच्छी अच्छी रंगोली के पैटर्न अवेलेबल हैं। इस तरीके के बॉक्स में मिलेगी ये रंगोली। रंगोली इस टाइप की है कि अगर आप इन्हें एक बार परचेज कर लो, फिर आप इन्हें एक बार लगवा लो, फिर हटा के आप रख लो, तो हमेशा आपके काम आएंगी, ख़राब नहीं होंगी। कि एक बार लगाने के बाद ये यूज़लेस हो गई, वो चीज़ नहीं है, ये पूरे हमेशा यूज़फुल रहेंगी। एंड इस तरीके की ये बॉक्स में रिसीव हुई है, प्लास्टिक का बॉक्स है। और ये रंगोली मैं आपको बताती हूँ, बीच में कुछ इस तरीके का आप ये वाला डिज़ाइन पैटर्न मिला है, ये गोल वाला राउंड शेप है, इसमें अंदर इन्होंने कैंडल डाली हुई है, फ्लावर वाली कैंडल डाली हुई है। और ये जब बनने के बाद मैं साइड में इमेज लगा दूंगी, वीडियो लगा दूंगी किस तरीके की रंगोली है, पूरी बीच में इस तरीके का ये राउंड शेप दिया हुआ है, ये यहाँ पे लगेगा, प्लास्टिक का है, और पूरे पे स्टोन मोती ये सब लगाए हुए हैं। आप क्वालिटी देख सकते हो, पैटर्न देख सकते हो, डिज़ाइन देखो कितना खूबसूरत है। एंड तरीके की पाल शेप की पत्तियाँ इन्होंने दी हुई है, एक मिनट मैं आपको काउंट करके बता देती हूँ, 3-9 इन्होंने दी हुई है इस तरीके की ये पत्तियाँ। ये आपके साइड में लगेगी, और डिज़ाइन में आपको वीडियो में क्लिप ऐड कर दूंगी कि कैसे बनेगा। एंड गाइस, ये वाली बहुत अच्छी रंगोली लगी, मैंने फर्स्ट टाइम ही ट्राई की है, इसके भी काफ़ी सारे डिज़ाइन अमेजोन पे अवेलेबल हैं। और सबसे अच्छी बात है, आपको क्या है, बस इसे डबल टेप से चिपकाना है, उसके बाद जब आपका काम हो जाए, आप डबल टेप हटा के इन्हें फिर से रख सकते हो। तो काम में आने वाली चीज़ें हैं जो कि आपके हमेशा काम आएंगी, बहुत ही यूज़फुल है, विद अफोर्डेबल प्राइस में, कुछ नया है, डेफिनेटली आप इन्हें ट्राई कर लो। इस दिवाली बहुत ज़्यादा अच्छी रहेंगी, दिवाली आ रही है तो रंगोली तो बनेगी ही, तो आप 2-3 पीस इस टाइप के परचेज करके इस दिवाली ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट आइटम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये भी ये बहुत सुंदर सी कैंडल मैंने परचेज की है। मतलब इसकी तो स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मैंने जब इसे कार्टन में से बस इसे ऐसे ओपन किया, पूरे कमरे में बहुत अच्छी, पूरे रूम में स्मेल हो गई, बहुत ही अच्छी, और एक क्या बताऊँ, मतलब बहुत ही अच्छी स्मेल लगी मुझे इसकी। इस तरीके की बबल रैप में पैक होके आई है, एंड ये 9 का छोटी वाली कैंडल का पैक है, और दो आपको इसमें बड़ी वाली कैंडल मिल जाएंगी। इसमें डिज़ाइन पैटर्न शायद एक दो कलर वगैरह अवेलेबल होगा, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, मुझे रेड कलर बहुत अच्छा लगा। इस तरीके के बॉक्स में मिलेगा, एंड एक छोटी छोटी ये फ्लावर वाली कैंडल्स मिलेगी। इन्होंने छोटी वाली कैंडल 8 दी हुई है, जो कि बहुत ही सुंदर है, बहुत कलरफुल लगेगी ये वाली कैंडल। मतलब मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद आई, इनकी स्मेल बहुत ही अच्छी है, क्या बताऊँ, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे पूरे कमरे में। अगर आप एक कैंडल भी पूरे रूम में जलाते हो ना, तो पूरे रूम में इसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू फैल जाएगी। उस अकॉर्डिंग मुझे ये वाली कैंडल अच्छी लगी। ये पूरा 8 का सेट है, एंड इस तरीके के बॉक्स में मिला है। ये क्यूट क्यूट सी कैंडल है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी इस दिवाली पे। एंड दो इसमें जो है बड़ी कैंडल्स रिसीव हुई है,
मैं आपको खोल के बता देती हूँ। पूरा 10 का सेट आपको ये वाला मिल जाएगा। कुछ इस तरीके की कैंडल है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है। पूरे इस पर रोज बनाए हुए हैं। क्वालिटी आप देख सकते हो, साइज आप देख सकते हो, काफी खूबसूरत है और बहुत ही सुंदर लगी मुझे। कुछ यूनिक पैटर्न है, कैंडल्स भी काफी सारी मिलती है, कलरफुल कैंडल्स वगैरह, लेकिन ये वाली कुछ मुझे बहुत ही सुंदर लगी थी इसलिए मैंने ये वाली परचेस की है। डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो आप इन्हें दिवाली वगैरह पे या फिर किसी भी फंक्शन वगैरह पे, कैसे भी अगर आप इसे यूज लेना चाहो। कैंडल्स तो ऐसी चीज है हमेशा यूज आती है, तो उस अकॉर्डिंग मुझे अच्छी लगी। और सबसे अच्छी लगी मुझे इनकी स्मेल, बहुत ज्यादा अच्छी है। तो आप इन्हें जरूर से जरूर ट्राई करना, मैं हाईली रिकमेंड कर रही हूँ आपको इन्हें। अब जो लास्ट आइटम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ही सुंदर सा वॉल हैंगिंग है, एक बहुत ही क्यूट सा है। मैंने इसे ओपन कर लिया था पहले, इस तरीके का काफी ब्यूटीफुल लगता है। इसमें भी पैटर्न बहुत सारे अवेलेबल हैं अमेजोन पे, मगर मुझे ये वाला काफी क्यूट लगा। ये बिल्कुल ये बेबी पिंक कलर में मिलेगा और यहाँ पे अच्छे अच्छे से कोड्स लिखे हुए हैं इसमें। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही क्यूट है। 3 का पूरा ये लेयर मिल जाएगी इसमें, वुडन का है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, विद अफोर्डेबल प्राइस में है। यहाँ पे इन्होंने ये डोरी लगाई हुई है थ्रेड, तो आप इसे हैंग कर सकते हो किसी भी वॉल पे अपने घर, मतलब वॉल पे बहुत ही अच्छा लगेगा। डेकोरेशन के अकॉर्डिंग काफी अच्छा यूजफुल आइटम है, विद खराब नहीं होती ऐसी चीजें, हमेशा यूज आने वाली चीजें है, तो उस अकॉर्डिंग मुझे काफी अच्छा लगा। प्रिंट काफी अच्छा है इसमें, कलर डिजाइन मैंने देखे नहीं है अमेजोन पे, आप देख लेना एक बार, मैं लिंक सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉच।